किसके बारे में सीखने वाले पता है? किसके बारे में? अभी मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, उससे पता चलता है आपको कि क्या सीखने वाले? पता चलता है कुछ? क्या क्या ड्रॉ किया है मैंने, देखो तो इसमें पता चलता है? नहीं पता चलता है, चलो मैं बता देती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं माय बर्थडे पार्टी के बारे में, अबाउट माय बर्थडे पार्टी। आप सबका जब बर्थडे आता है तब आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते हो ना, या किसी और का होता है तो उसकी पार्टी में आप जाते हो ना? कौन कौन जाता है बताओ तो मुझे। हाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। तो उस बर्थडे पार्टी में क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीजें होती है वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है? ओके। तो बर्थडे पार्टी, यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर बनाया है बर्थडे पार्टी का। इसमें गर्ल है, बॉय है, और बर्थडे पार्टी में क्या क्या चीजें होती है वो सब मैंने ड्रॉ किया है। कुछ चीजें आप लोग बताएंगे कि क्या क्या होता है। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे बताओ कि बर्थडे पार्टी में पहला तो क्या क्या होता है और किससे डेकोरेट किया होता है? जो बर्थडे पार्टी का रूम होता है उसको डेकोरेट किया गया होता है ना, तो किससे किससे डेकोरेट कर सकते हैं हम बताओ तो मुझे। कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं? हाँ बलून्स, फिर क्या क्या लगाते हैं, स्ट्राइप पट्टी ये सब लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, फेंटूस तोरण आता है, बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ तोरण आता है तो वो भी लगाते हैं, कभी कभी उसका स्टिकर मिलता है तो वो भी लगाते हैं, है ना? फिर उसके अलावा क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? यहाँ पे देखो आपके पास ऐसी वाली बुक होगी, ये वाली, तो उसमें जो है यहाँ पे पिक्चर दिया गया है माय बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पे पूरा पिक्चर बर्थडे पार्टी का दिखाया गया है और उसमें कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं वो सब यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम देखते हैं। पहले तो क्या है, बलून्स। क्या है बलून्स? तो बलून से सारी वॉल जो होती है उसके ऊपर हम डेकोरेट करते हैं, बलून्स लगाते हैं और लास्ट में उसको फोड़ते भी हैं। फिर क्या होता है, फैंटून्स। फैंटून्स तो फैंटून्स यानी कि तोरण, अलग अलग पट्टियों के जरी वाले भी आते हैं, अलग अलग प्रकार की पट्टियां मिलती हैं तो उससे भी तोरण बना के हम डेकोरेट करते हैं। फिर क्या होती है, कैंडल्स। क्या होती है, कैंडल्स। और कैंडल्स किसके ऊपर लगाते हैं, किसके ऊपर, केक के ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने केक बनाई है और केक के ऊपर क्या है, कैंडल्स। क्या है, कैंडल्स। तो कैंडल्स होती है, यहाँ पे देखो मैंने बलून्स भी लगाए हैं, फिर ये फैंटो से तोरण बना के लगाया है। फिर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स बनाई है, कोल्ड ड्रिंक्स अलग अलग होती है ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स होती है। फिर कैप, यहाँ पे देखो मैंने कैप बनाई है, तो कैप भी सब जो भी बच्चे आते हैं उनको देते हैं, जिसका बर्थडे होता है ना उसके घर पे जाते हैं और वो सारे बच्चों को कैप्स भी देते हैं। फिर जो बच्चे आते हैं उनको क्या देते हैं, गिफ्ट्स। देखो यहाँ पे गिफ्ट्स है, यहाँ पे भी मैंने भी बनाया है गिफ्ट, तो गिफ्ट भी देते हैं। फिर कभी कभी फ्लावर भी देते हैं, है ना, फ्लावर भी देते हैं। फिर क्या होता है, आइसक्रीम। आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम होता है ना, हाँ, तो आइसक्रीम होता है। फिर स्नैक्स, स्नैक्स होता है, खाने की अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, समोसा होता है, पाव भाजी होता है, लड्डूज होते हैं, दाबेली होती है, बर्गर होता है, बहुत सारी चीजें खाने की होती है। फिर कार्ड्स, बर्थडे कार्ड भी किसी किसी को गिफ्ट देते है ना, आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग होते हैं वो बर्थडे कार्ड बना के भी लेते हैं और बाहर से भी खरीद के भी लाते हैं और जिसका बर्थडे होता है उसको देते हैं। फिर
स्वीट भी होती है, स्वीट में केक तो हम खाते ही है, उसके अलावा गुलाब जामुन होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ होती है ना। फिर कभी कभी मास्क भी होते हैं, कभी कभी मास्क भी देते हैं, तो वो मास्क पहन के सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और ऊपर कैप पहन के जिसका बर्थडे होता है उसके आसपास खड़े रह जाते हैं। फिर कैमरा भी होता है, जिसका बर्थडे होता है उसके घर वाले कैमरा में फोटोज क्लिक करते हैं ना। अभी तो हमारे पास मोबाइल होता है तो मोबाइल में ही सारे जो पिक होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, क्लिक करते हैं ना। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने भी पिक्चर्स में सारे बनाए हैं, कैप्स बनाई है, फ्लावर बनाया है, गिफ्ट है, बलून से फैंटूस है, केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि बर्थडे पार्टी में कौन कौन सी चीजों का यूज होता है। समझ में आया? और फिर जिसका बर्थडे होता है उसके लिए केक मंगाया जाता है और फिर उसके ऊपर मोमबत्तियां रख के उसका सेलिब्रेशन किया जाता है और सब लोग उसको विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा सॉन्ग गा के उसको विश भी करते हैं। विश करते हैं ना उसको, आप भी विश करते होंगे हैप्पी बर्थडे टू यू या मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, है ना, करते हो ना आप सब। आपका फ्रेंड होता है या आपके कजिन्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो उनका बर्थडे होता है तो आप ऐसे बर्थडे पार्टी में जाते होंगे और उनको विश करते होंगे, उनके लिए गिफ्ट भी लेके जाते होंगे और वहां पे आप खाना खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, केक खाओगे, मिठाई खाओगे, स्नैक्स अलग अलग होते हैं तो वो भी खाते हो आप, है ना। कौन कौन खाता है वहां पे बताओ, कौन कौन खाता है? हाँ सब लोग खाते हो, है ना। बर्थडे पार्टी तो सबको पसंद होती है क्योंकि मजा आता है और फिर वहां पे डांस भी करते हैं, है ना। म्यूजिक प्लेयर होता है तो वो म्यूजिक प्लेयर बजाते फिर डांस भी करते हैं और डांस करना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही सॉन्ग बनता है हम डांस करने लगते हैं, है ना। तो आप सबको बर्थडे पार्टी बहुत ही पसंद होगी, तो आप भी अपना जब बर्थडे आता है तब इस तरह से आप अपना घर सजाओगे, जो भी सारी चीजें बताई है उससे डेकोरेट करोगे, मम्मी को बोलना है केक लानी है तो केक भी लाओगे, है ना। और सब जो आपके घर पे गेस्ट आएंगे, रिलेटिव आएंगे, उनको आप खिलाओगे और आपके फ्रेंड्स को भी बुलाओगे, है ना। बुलाओगे ना सबको, बुलाओगे ना? हाँ, तो सबको बुलाना है और इस तरह से अच्छे से आपकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है। और याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें हम बर्थडे पार्टी में यूज करते हैं। समझ में आ गया? ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।